तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। जैसा कि यहां से बोर्ड के लिए बहुत बड़ी आपके लिए यहां से दिक्कतें आ बुरी खबर है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के तहत है, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इस तरीके की जानकारी पूरी तरीके से आपको मिल सके और अच्छे से आप इस जानकारी को जान सके। यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम वाले ध्यान देश सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर सामने आई है कि अब स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इस बार 2023 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी खराब खबर सामने आई है। तो ऐसे में सरकार ने इसके बारे में किया बड़ा ऐलान जिसको सुनकर सभी विद्यार्थी चौंक गए हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर नहीं हुआ आपके इस कागज का वेरिफिकेशन तो नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा। तो चलिए जानते हैं कौन सा पेपर है जिसके बिना होंगे बच्चे बोर्ड परीक्षा में वंचित। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस लेख को मदद से आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो नीचे लिखे गए लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ें अवश्य। यूपी बोर्ड परीक्षा वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब ये सभी विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे बोर्ड पेपर परीक्षा। वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें क्योंकि सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि कहां जाता है कि अब ये विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे बोर्ड पेपर। तो ऐसे हम आपको बता दें कि इस बार होने वाले 2023 में बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के छात्र इस बार पेपर देना बहुत ही कठिन हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड पेपर देने के लिए कक्षा 9वीं में रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपको 10वीं में पेपर दे सकते हैं तो वैसे ही 11वीं में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 12वीं में छात्र पेपर दे सकते हैं। लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा हुआ कि सारे कागज स्कूल में वेरिफिकेशन होगा। कि आपको बता दें कि जैसा कि आपका जो बहुत सारे कागज होते हैं जैसे कि कक्षा नौ का वो हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे कई प्रकार के कागज होते हैं जो कि अब की बार आपके स्कूल में ही वेरिफिकेशन हो गए। फिर उसके बाद छात्रों को ये ध्यान देना है कि जो आपके आधार कार्ड में होगा मार्कशीट में वही आपके सारे कागज में होना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती के कारण आपको पेपर से निकाल सकते हैं जिससे आप 2023 बोर्ड पेपर परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो बोर्ड पेपर आने में। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो छात्र इस बार बोर्ड पेपर के तैयारी कर रहे हैं वे सभी तैयार हो जाइए भाई। आपके जितने भी कागज पत्र हैं सब आपको ले जाकर अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाना होगा। परीक्षा केंद्र पर नकलवाही बनाने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि विद्यार्थी को बाउंड्री वॉल CCTV कैमरे में प्रकाश व्यवस्था लाइट टेलीकास्ट की व्यवस्था होगी आदि। सुरक्षा के मैनेजर पेपर्स को डेवलप लॉक अलमारी में ही रखा जाएगा जो कि CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। ऐसा आपके बोर्ड पेपर में अब की बार होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी तैनात हो जाइए, अच्छे से अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। आप जितने भी कागज हैं आप सभी अपने कागज पत्र को अपने कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा लीजिए ताकि आपको ऐसे कोई भी कागज ना बचा रहे जिससे कि आपके बोर्ड पेपर में ऐसी दिक्कतें आ सके। जैसा कि आपको बात समझ में आ ही गई होगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।